तो गाइस अब चल रहे हैं भोकी माता मंदिर। मतलब इधर खाली रोड है, बहुत कम लोग जाते होंगे भोकी माता मंदिर। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, काफी लोग जाते भी होंगे, ऐसा नहीं है मतलब कुछ भी। और देखिए शिप्रा नदी के तट के पास से ही मैं गुजर रहा हूँ। यहाँ पे लोग पार्टी करने आते हैं, जली ना पार्टी वार्टी चल रही है। जो मंदिर आप लोग देख रहे हैं भूखी माता का मंदिर, इसकी किंवदंती आपने सुनी होगी और किसी ने नहीं सुनी होगी, तो आप अगर सुनेंगे और इसके बारे में पढ़ेंगे तो आप शौक हो जाओगे माता मंदिर की। तो चलिए हम अंदर चलते हैं भूखी माता मंदिर के। जय माता रानी की। ये दीप माला और शिप्रा नदी उस तरफ उज्जैन नगरी, और शिप्रा नदी के इस तरफ है भूखी माता मंदिर। तो ये है माँ भूखी माता का दरबार। शिप्रा नदी के तट के पास ही जय माता दी। और मुझे भी मंदिर के बारे में मतलब किसी और के थ्रू पता चला, तब जाके उन्होंने आ चका था। अब उज्जैन में रहना है तो हर मंदिर में जाऊंगा और वहाँ की हिस्टोरी पूछूंगा। तो चलिए भूखी माता के दर्शन करते हैं। जय माता दी। तो ये भूखी माता मंदिर है। पंडित है विशाल पुजारी जी, और हम उनसे बात करते हैं, इस मंदिर का इतिहास जानते हैं। तो चलिए। जय माता दी विशाल। जय माता दी। तो विशाल जी, हमें यहाँ के भूखी माता मंदिर के बारे में पूरा इतिहास बता सकते हैं तो बताइए, जितना भी आप बता सकते हैं। ये राजा विक्रमादित्य जी की स्थापित देवियाँ हैं, दोनों बहनें, एक भूखी माता एक भुवनेश्वरी माता। एक भूखी माता और एक भुवनेश्वरी माता। हाँ, ये राजा विक्रमादित्य जी की स्थापित देवियाँ। प्राचीन समय में देवी जी को नरभक्षण होता था, मतलब एक प्रतिदिन रोज एक युवक की बलि दी जाती थी देवी जी को प्रतिदिन। हाँ, रोजाना जी। विक्रमादित्य जी ने देवी जी को खिला पिला कर खुश कर इनको प्रसन्न कर लिया था। विक्रमादित्य जी ने इनको मतलब भोग लगता था देवी जी को प्राचीन समय में नरभक्षण। तो विक्रमादित्य जी उज्जैन में भ्रमण के लिए आए थे, घूमने के लिए। रोजाना एक अवंतिका नगरी में एक राजा बनता था उसका देवी जी। रोजाना एक राजा। हाँ, रोजाना एक राजा बनता था। अच्छा। उसको राजमहल में ले जाया जाता था, उसको तख्त पे लेटाया जाता था, वो सभी देवियाँ उसका मिलकर भक्षण करती थी। अच्छा। विक्रमादित्य जी उज्जैन नगरी में घूमने आए थे, तो उन्होंने देखा कि सारा शहर में हंसी खुशी है और दोनों पति पत्नी विलाप कर रहे थे। उन्होंने जाके पूछा, बोले ऐसा क्यों होता है यहाँ पर, क्या परंपरागत तरीके से चलता आ रहा है यहाँ पर। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर रोज एक प्रतिदिन बालक की बलि देवी जी को लगती है रोजाना यहाँ पर। तो विक्रमादित्य जी ने उन्हें बोला कि आपके बालक की जगह मुझे भेज दीजिए आप, और मैं वहाँ का राजा बनूँगा और देवी से जो भी मांगेगी माँ वो पूरी करूँगा मैं। माता ने सभी राजा विक्रमादित्य जी गए, उन्होंने एक मेवन स्थान का पुतला बनाया था, वो तख्त के ऊपर रख दिया था, वो ऊपर से चादर ढक दी थी, और विक्रमादित्य जी खुद तख्त के नीचे छुप गए थे। हाँ जी।
फिर देवियाँ सभी देवी खाते पीते आते हुए मस्त उत्तृप्त हो गई थी। सभी देवी ने विचार बना के आज का राजा ने अपनी ऐसी सेवा पूजा की, आज इसे भक्षण नहीं किया जाएगा। तो ये जो देवी थी ये नहीं मानी। माता ने बोला कि माता ने बोला कि ये राजा ने अपने इतना कुछ किया है, चल के देखा जाए, ये भी कोई बुद्धिमान ही होगा। माता अंदर गई, उन्होंने मेमन स्थान का पुतला तोड़ के खा लिया था, वो पुतला भी खा लिया। हाँ, तो राजा विक्रमादित्य माँ ने बोला कि जो भी कोई मनुष्य प्राणी सुनता हो बाहर आए और मुझे जवाब दे इसी चीज़ का। किसने रखा पुतला? हाँ, विक्रमादित्य जी हाथ जोड़ के खड़े होगा कि बोले हाँ माँ मैं हूँ। तो माता ने बोला बोले मांगो राजा, आप क्या मांगते हो? धन दौलत राजपाट सोना चांदी क्या चाहिए आपको? तो विक्रमादित्य जी ने बोला नहीं माँ, मुझे तो एक वचन चाहिए। बोले वचन में आपको आज से नरभक्षण बंद करना पड़ेगा और नदी के इस पार विराजमान किया जाएगा आपको। पहले देवियाँ, हाँ पहले देवी शहर में हुआ करती थी, अब इस पार नदी के इस पार। तो इनकी देवियों ने विचार बनाया सभी देवियों ने, कि राजा ने अपने को इतना कुछ खिलाया फिर भी आप भूखी रह गई। बोले आज से आपका नाम जगत में भूखी माता के नाम से जाना जाएगा। तो इनका नाम तभी से भूखी माता है, भूखी माता है, भुवनेश्वरी माता है। हाँ, दोनों बहनें साथ में। आज तक अभी विराजमान है। हाँ, और पुराना मंदिर वहाँ नदी के अंदर है। नदी के अंदर? हाँ, पुराना मंदिर। हाँ, वो पुराना मंदिर। हाँ, वो पुराना मंदिर है। हाँ, तो चलिए आप यहीं पर बैठेंगे। हाँ, कि चले चलो नीचे देखवा देते। तो जैसे ही गाइस पंडित जी ने बताया कि ये भूखी माता का मंदिर और भुवनेश्वरी माता मतलब दोनों बहनें हैं, और ये ऊपर एक मंदिर बनाया गया और नीचे जो बहुत पुराना मंदिर है जो नदी के बीच में ही है, मतलब थोड़ा सा साइड में है पर नदी के बीच में ही है, पानी आइट साइड पूरा पानी भरा हुआ है। तो हम वहाँ पर चलते हैं, वो मंदिर देखते हैं जो प्राचीन मंदिर है। ये मंदिर के पीछे है और गोबर से सातिया बनाया गया है, ये पीपल का मंदिर। कुछ भी मतलब पीपल का पेड़। सही पकड़े हैं। पूरी परिक्रमा कर ली है और भूखी माता मंदिर, भूखी माता के सामने शेर बब्बर, जय हो माता रानी की। तो चलिए हम नीचे की तरफ चलते हैं माता जी। तो चलिए गाइस चल रहे हैं शिप्रा मैया के तट पर, जहाँ पर पुराना मंदिर है भूखी माता का। देखिए वो काफ़ी श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर, प्रसिद्ध है मंदिर ये भूखी माता का। ये पुराना मंदिर है और यहाँ पर चेतावनी भी लिखी हुई है कि नदी में पानी मतलब गहरा है, घाट पर स्नान ना करें। चलिए चलिए पंडित जी, और जैसे कि पंडित जी हमारे साथ ही है, चलते दर्शन करते हैं। जय भूखी माता की। ये प्राचीन मंदिर है। तो पंडित जी ये है पुराना मंदिर? हाँ, ये पुराना मंदिर है। यहाँ पे भी दो देवियाँ विराजमान है, एक भूखी माता एक भुवनेश्वरी देवी है। अच्छा। हाँ, तो ये प्राचीन समय से है? प्राचीन समय से, राजा विक्रमादित्य जी के समय से है। विक्रमादित्य जी ने देवी जी की यहाँ स्थापना की थी। हाँ, शिप्रा नदी के तट पर। हाँ, अच्छा उन्होंने स्थापना की? हाँ, राजा विक्रमादित्य जी ने स्थापना की थी देवी। ये जो दो मूर्तियाँ जो बनी हुई है माता रानी की, ये उनके हाथ की है? हाँ, उनके हाथ की है। अच्छा, ये विक्रमादित्य के हाथ की है? हाँ जी। और बट ये शिप्रा नदी के एकदम बीच में? शिप्रा नदी के बीच में ही है। शिप्रा नदी पहले वहाँ हुआ करती थी थोड़ी दूर पर, ये शिप्रा नदी कट कर कर इधर आ गया पानी है नदी का। अच्छा। हाँ, पहले काफ़ी दूर उधर? हाँ, काफ़ी दूर हुआ करती थी ना, तो पानी अब इधर आ गया। हाँ, इधर। अच्छा। हाँ, तो इसलिए ये बीच में आ गई है ना। हाँ, बीच में। अभी और उधर चला जाएगा तो और बीच में आ जाएगी माता रानी, तो फिर वाह क्या बात है। तो चलिए गाइस भूखी माता के दर्शन हो गए हमें और यहाँ की स्टोरी पता चली। और यहाँ पर मंडी जी हर कोई मान करने आता है, किस चीज़ की मतलब कैसे मान करना आता है मुझे बताइएगा थोड़ा सा। सभी भक्तों की मनोकामना पूरी होती है यहाँ पर। सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है किसी भी कारण वैसे, कोई सी भी मनोकामना है। हाँ, सभी भक्तों की मनोकामना पूरी होती है यहाँ। पूरी होती है। हाँ, संतान की करते हैं कोई किसी दुकान वगैरह किसी व्यापार वगैरह की मन्नत करते हैं, वो सभी पूरी होती है यहाँ पर।
अच्छा हाँ जी, संतान की भी मन्नत हाँ, पूरी होती है यहाँ पर, सभी मनोकामना पूरी होती हाँ, है। वो भी मैंने देखा था मंदिर में, वो बच्चे को लाए थे और फिर आपको दिया था और आपने माता रानी के सामने रखा था। हाँ, वो पैर पड़वाने के लिए जाता है ना, धूप दिलवाने के लिए, मनोकामना जिसकी रहती है ना हाँ उसे। अच्छा, ये सत्य हो जाता है ना पूरा। तो चलिए गाइस, हमें यहाँ पर जानकारी मिली और ये आंटी यहीं पर ही बैठे रहते हैं। ये आंटी, आप हमेशा यहीं बैठे रहते हैं? बारी बारी से बैठते ना, बारी बारी से बैठते रहते हैं ना। अच्छा, यहाँ पर भी शेर है माता रानी के सामने। तो चलिए गाइस, आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करता हूँ मैं। और भूखी माता मंदिर हमने दर्शन किए और यहाँ की स्टोरी पता चली, और मुझे पहले नहीं पता चला, मतलब मुझे पहले नहीं पता थी यहाँ की स्टोरी, कि यहाँ की स्टोरी क्या है, अभी पता चली। मैं भी शॉक हो गया कि यार ऐसी भी चीज़ थी पहले, ये किंवदंती है या मतलब कहानी है, बट अगर कह रहे हैं तो सत्य घटना है ये, विक्रमादित्य के समय की घटना है ये। और विक्रमादित्य अगर नहीं होते तो आज तक बलि चढ़ती रहती है ना, मतलब विक्रमादित्य के कारण ही भूखी माता ने नर मतलब को खाना बंद किया है। क्या बोलते हैं उसे, नरभक्षण होता है। हाँ, नरभक्षण करना बंद किया है, क्योंकि उन्होंने स्वादिष्ट पकवान बनवाए थे और माता रानी को प्रसन्न करके यहाँ पर विराजमान करवा दिया। अच्छा, ये बताइए, भूखी माता और ये भुवनेश्वरी माता, हाँ जी, इनके साथ कौन कौन था? इनकी सभी देवियाँ, जैसे शहर में जितनी भी देवियाँ, जैसे 24 खंभा, महामाया, महालाया, हाँ, लाल भाई, फूल भाई, चामुंडा माता, ये सभी देवी से पहले शहर में हुआ करती थी ना। हाँ, हाँ, बाकी सभी बहनें इनकी शहर के अंदर हो रही, सिटी से बाहर है। अच्छा, हाँ, सभी बहनें अंदर है। हाँ, सभी बहनें वहीं प्रसन्न हो गई थी। हाँ, और ये सिटी से बाहर है देवी। अच्छा, इसलिए। तो चलिए पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें जानकारी दी यहाँ पर। तो चलिए गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो जिसने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। जय माता दी, जय माता दी। तो गाइस, मैं अभी जा रहा हूँ मंगलनाथ, जो कि उज्जैन में ही है, और मंगलनाथ पर पितृदोष और काल दोष की पूजाएँ होती है, और वहाँ की भी कुछ किंवदंती होगी, कहानी होगी मंगलनाथ की। तो चल रहे हैं अभी, और यहाँ से भरतरी गुफा जाने का भी रास्ता इधर ही से ही है, तो हम पहले चलते हैं अभी मंगलनाथ।